जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मैं प्रकाश कुमार अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जो हम लोग एक मोबाइल फ़ोन का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो मेरे पास आप देख सकते हैं मैंने फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल मंगवाया है। ये मोबाइल जो है मेरा वो है इन्फिनिक्स हॉट 8। तो इसका भी अभी हम लोग जो है इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि इस मोबाइल के साथ हम लोग को क्या क्या एसेसरीज मिला है और इस बॉक्स में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं, अभी जो हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी जो हम लोग इसको है इस बॉक्स को खोलते हैं। ये मैंने चाकू ले लिया, अब इसको खोलता हूँ और इसमें देखता हूँ कि इसमें क्या क्या एसेसरीज हम लोग को फ्लिपकार्ट की तरफ से मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो हमने इस बॉक्स को ओपन कर दिया है। इस बॉक्स में हम लोग को मिलता है, देखिए, बिल मिलता है जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से आया हुआ है। इसमें प्राइस टैग वगैरह लिखा हुआ है कि कितना प्राइस का ये है, और साथ में हम लोग को ये मिल जाता है। इसमें जो है ये प्लास्टिक से इसको कवर किया गया है, इन्फिनिक्स हॉट है। इसको अभी हम लोग ओपन करते हैं। तो अभी जो है हम लोग क्या किए हैं, इसको प्लास्टिक से इसको ओपन कर दिए हैं। अब इसको जो हम लोग यहाँ से ये जो बॉक्स है हमारा, ये देख सकते हैं आपका इन्फिनिक्स हॉट 8 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये भी प्लास्टिक से कवर किया हुआ है, तो अभी जो हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो इसको मैंने ओपन कर दिया प्लास्टिक का, लेकिन इसमें भी क्या है कि ये कवर जो है, कवर में इसका इन्फिनिक्स का जो है स्टिकर 2 लगा हुआ है, ठीक है। इसको भी रिमूव करते हैं, उसके बाद जो है बॉक्स को खोलते हैं। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको जो ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि बॉक्स जब ओपन करते हैं तो इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये हमारा मोबाइल फ़ोन है, इसको हम ओपन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपको मोबाइल फ़ोन दिख रहा है इन्फिनिक्स हॉट 8। अब इसमें क्या है कि इसका जो डिस्प्ले में कुछ एक स्टिकर लगा हुआ है। इसमें क्या है, मेन जो है स्पेसिफिकेशन वो इसमें दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको बॉक्स को और ओपन करते हैं। बॉक्स में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या और एसेसरीज मिला है। तभी हम लोग मोबाइल को रखते हैं साइड और इसमें बॉक्स को ओपन करते हैं, इसमें क्या क्या एसेसरीज मिला है। तो इसमें हम लोग को एक एडाप्टर मिल जाता है, एक डाटा केबल मिल जाता है, और ये आपका सिम इंजेक्टर मिल जाता है, और ये इसका जो है मैनुअल बुक हो जाता है इसका इन्फिनिक्स हॉट का, और एक मिलता है आपको यहाँ पे इसका बैक कवर। बैक कवर आपका जो ये ट्रांसपेरेंट है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है देखने में। और इसमें एक और मिल जाता है, इसमें ये मिल जाता है हम लोग का एक इसका टेम्पर्ड ग्लास। तो हम लोग को इतना सारा एसेसरीज जो है इसमें मिलता है इस बॉक्स के साथ में। हम लोग को देख सकते हैं, फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। एक टेम्पर्ड ग्लास है, एक इसमें जो है इसका ट्रांसपेरेंट बैक कवर है, और इसका एक डाटा केबल है, और इसमें जो है आपका ये चार्जर है। अगर हम लोग इस एडाप्टर की बात किया जाए और इसके चार्जर का, तो इसमें जो है आपका ये 2 एम्पीयर इसका आउटपुट देगा, जो कि ये जो है बहुत ज़्यादा ही फास्ट जो है मोबाइल को चार्ज करेगा। 2 एम्पीयर बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है, और इसका जो बैटरी 5000 है, तो उसके लिए 2 एम्पीयर होना भी बहुत ज़रूरी था। तो अब जब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसका जो है कैसा, मतलब डिस्प्ले वगैरह है, और होने के बाद ये कैसा ये फ़ोन दिखता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है फ़ोन आपका, इसका स्टिकर इसको पहले रिमूव करते हैं, और ये हम लोग इसमें मतलब देखते हैं कि ये ऑन होने के बाद कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टिकर रिमूव करते हैं और इसको करते हैं ऑन। देखिए, स्टिकर को जब रिमूव कर दिए तो बहुत ज़्यादा ही ये सुंदर ये फ़ोन लग रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब है ये। और इसका अगर बैक लुक की बात किया जाए तो बैक लुक तो और ही लाजवाब है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें है। बाकी बात इसका जितना भी सारा स्पेसिफिकेशन वगैरह है वो मैं बताऊँगा इसको ऑन होने के बाद।
तो अभी जो हम लोग क्या कर चुके हैं, फ़ोन को जो ऑन कर चुके हैं, अब इसको जो है हम लोग फ़ोन को अनलॉक करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें किस टाइप का मतलब इसका डिस्प्ले इंटरफेस वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोग इसको सबसे पहले अनलॉक करते हैं और इसमें देखते हैं डिस्प्ले इंटरफेस। तो ये जो है आपको जैसे अनलॉक होता है तो आपका डिस्प्ले में कुछ कुछ इसका ये एप्लीकेशन का बटन कुछ यहीं पर आपको मिल जाता है। और इसका हम लोग मेन मेन्यू की बात किया जाए एप्लीकेशन मेन्यू को, तो हम लोग जैसे ही इसको स्लाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि इसका जो भी एप्लीकेशन का मेन्यू है वो सारा कुछ देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ इसमें फ़ायदे की बात ये है कि इसमें कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो कि ऑलरेडी ये क्या कर रहा है, इंस्टॉल करके दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट आपको दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम दिख रहा है और आपका यहाँ पे व्हाट्सअप वगैरह दिख रहा है। तो कुछ कुछ इसमें मतलब ये आसान कर दिया कि कुछ कुछ चीज़ें जो है ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल आ रहा है, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। डिस्प्ले जो आपका है 6.52 इंची के इसका डिस्प्ले है और इसमें जो आपका जो ये ड्रॉप नोट जो डिस्प्ले कैमरा आपको मिल रहा है ये आपका जो है 8 मेगापिक्सल का चाहिए फ्रंट कैमरा। अब हम लोग इसको बैक का बात करते हैं, तो अगर बैक का हम बात करते हैं तो बैक में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये आपका जो है ट्रिपल कैमरा है आपका इसमें। इसमें जो है अगर यहाँ पे बगल में मिल जाता है फिंगरप्रिंट मिल जाता है और इसमें अगर बीच में अगर बात किया जाए दो कैमरा के बीच में जो है आपका यहाँ पे ब्लैक है आपको जो है फ्लैश मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग इसको बॉडी की बात किया जाए, इसका कलर की बात किया जाए तो ये कॉस्मिक पर्पल जो है इसे ब्रांड ने जो इसका नाम दिया है इस कलर को दिया है कॉस्मिक पर्पल दिया है। और जो कि इसका जो है अगर साइड कॉर्नर की बात किया जाए तो बहुत ही कर्व बनाया है जो कि बहुत ही लाजवाब ये फ़ोन देखने को मिल जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे अगर साइड में अगर इसकी बात करते हैं तो साइड में आपको यहाँ पे क्या है कि 3.5mm जैक मिल जाता है फोन के लिए, साथ में आपको ये जो मिल जाता है USB डाटा केबल से चार्जिंग का है और यहाँ पे साथ में आपको डिस्प्ले मिल जाता है। अगर हम लोग इसमें अगर राइट साइड की बात किया जाए तो राइट साइड में आपको यहाँ पे अनलॉक बटन मिल जाता है, पावर बटन, और साथ में उसके ऊपर में मिल जाता है वॉल्यूम अप डाउन बटन। अगर हम लोग इसको लेफ्ट साइड अगर टर्न करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको जो मिल जाता है यहाँ पे सिम और डबल सिम यहाँ पे लगेगा और आपका एक ये माइक्रो एसडी कार्ड जो इसमें लगे इंसर्ट होगा। ये फ़ोन जो है आपका 7000 में ये फ़ोन आ जा रहा है। अब इसमें जो है आपको कितना मतलब रैम रोम मिलने वाला है ये भी सोचने वाली बात है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है आपको 4GB रैम मिलेंगे और 64GB इंटरनल मेमोरी कार्ड मिल जाता है जो कि बहुत ही हैवी इस फ़ोन को बना देता है। गेमिंग के पर्पज़ से अगर आप इसको खरीदते हैं तो भी इसको आप खरीद सकते हैं, या फिर ऐसे चलाने के पर्पज़ से अगर आप खरीदते हैं तो भी खरीद सकते हैं। काफ़ी लाजवाब फ़ोन है इसका डिस्प्ले का भी, मतलब इसमें अगर वीडियो देखा जाए या गेम खेला जाए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। अब हम लोग इसका बात करते हैं बैटरी का, तो बैटरी जो है इसमें जो 5000mAh का बैटरी दिया गया है इसमें। अगर हम लोग इसका बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉइड पाई 9 पे जो है इसका जो एंड्रॉइड सिस्टम रन करता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसका प्रोसेसर, तो प्रोसेसर जो है 2 GHz का जो इसका प्रोसेसर दिया है जो कि इस मोबाइल फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बनाता है। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सारा कुछ हो गया तो अब हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और ख़त्म करते हैं जितना भी मतलब फोटो में क्लिक करूँगा अभी सारा कुछ मैं अभी लास्ट में मेंशन कर दूँगा। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब, और ये चैनल में अगर पहली बार आप विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जैसा भी लगे अगर ये फ़ोन आप लोगों को अच्छा लगे या फिर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम वीडियो को यहाँ पे भी हम लोग ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।